और दोस्तों Xiaomi ने अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं चाइना में। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिनका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, Xiaomi का CC9 Pro स्मार्टफोन आने वाला था। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन था जो कि 108 मेगापिक्सल पेंटा कैमरा स्मार्टफोन था। ये फाइनली चाइना में लॉन्च कर दिया है। उसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर अपनी पहली मी स्मार्ट वॉच भी लॉन्च कर दी है। Xiaomi की तरफ से पहली ऐसी स्मार्ट वॉच है और साथ ही साथ वहां पे उन्होंने मी टीवी 5 सीरीज भी लॉन्च कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में आपको Xiaomi के CC9 Pro मोबाइल के बारे में और मी स्मार्ट वॉच के बारे में, साथ ही साथ मी टीवी 5 सीरीज के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। मैंने किसी वीडियो में आपको नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जरूर से बोलना चाहूँगा। इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पर। चल फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे Xiaomi के CC9 Pro मोबाइल के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है वो 6.47 इंच की OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन दिया गया है। कमाल की बात ये है इस डिस्प्ले की कि ये डिस्प्ले आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। जैसा कि आपको पता है, सैमसंग के जो फ़ोन होते थे, नोट 10 प्लस, नोट 10 आते थे, उनमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती थी। अब Xiaomi के इस स्मार्टफोन में भी आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, मैं यहाँ पे इसके बैक की बात करना चाहूँ तो जैसे कि आप मेरे बैक में देख पा रहे हैं, इसमें आपको 5 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूँ, इसका जो बैक है वो ग्लास के साथ आता है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे इसका जो फ्रंट है वो भी ग्लास के साथ आता है। मतलब बैक और फ्रंट दोनों ही ग्लास के साथ आते हैं। और बैक की बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे बैक में भी आपको कर्व डिज़ाइन देखने को मिलती है। मतलब बैक और फ्रंट दोनों ही साइड आपको कर्व देखने को मिलता है। तो मतलब आप कह सकते हो डुअल कर्व दिया गया है। जैसे कि आपको पता है, सैमसंग का नोट 10 प्लस आता है, उसमें आपको डुअल कर्व दिया जाता है। सेम उसी तरीके की यहाँ पे आपको बैक और फ्रंट देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम है डुअल कर्व। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन में आपने देखा डिस्प्ले तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है ही है, साथ ही साथ इसकी बैटरी भी लार्ज दी गई है, क्योंकि 6.47 इंच की OLED डिस्प्ले है, तो बैटरी भी उसी हिसाब से उन्होंने बड़ी डाली है। इस स्मार्टफोन में आपको 5260 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको 30W का चार्जर दिया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कंपनी का दावा है कि ये स्मार्टफोन की बैटरी आपको 65 मिनट में चार्ज करके दे देगा। मतलब 5200 mAh की बैटरी, मतलब 65 मिनट में चार्ज हो रही है, तो देख लीजिए कितनी ज़्यादा फास्ट चार्ज हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लो, और हाँ, ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो इसका है प्रोसेसर, इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 730G प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको कहूंगा अच्छा प्रोसेसर है, 8nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और दोस्तों अब फाइनली बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे इसके कैमरे के बारे में, जो कि इसका बिगेस्ट हाईलाइट फीचर है। इसमें आपको बैक में 5 कैमरे देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड का सेकेंड पेंटा कैमरा स्मार्टफोन है, क्योंकि पहला जो आया था वो नोकिया का प्योर व्यू आया था। लेकिन हाँ, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का रियर सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का यहाँ पे वाइड एंगल सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। और एक और कैमरा, तीसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि पोर्ट्रेट फोटो को शूट करता है। और मैं आपको एक और कैमरा, जो कि चौथा कैमरा है इसका, वो 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, टेलीफोटो लेंस के लिए दिया गया है। और दोस्तों इसका जो लास्ट कैमरा, पांचवा कैमरा, वो 2 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि माइक्रो शॉट के लिए दिया गया है। हाँ दोस्तों, मैं आपको चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें जो आपको रियर सेंसर 108 मेगापिक्सल का मिलता है, वो सैमसंग का सेंसर देखने को मिलता है। तो सैमसंग का सेंसर दिया गया, काफ़ी ज़्यादा कमाल का सेंसर दिया गया। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इस स्मार्टफोन के कैमरे से आप 50x जूम तक फोटो क्लिक कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके जो कैमरे से फोटो जो लिए जाएंगे वो तकरीबन 50 या 60
MBQ होने वाला है, तो सोच लीजिए फोटो का साइज कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसको DOX मार्क भी इसकी आ गया, जो कि यहाँ पे आपको 121 देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सेम उससे कम्पीट कर रहा है जो Huawei का Mate 30 आया था, उसमें आपको सेम यही कैमरा देखने को मिला था, उसके साथ ये बिल्कुल कम्पीट कर गया। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्मार्टफोन के कैमरे ने सैमसंग के नोट 10 प्लस और गूगल का पिक्सल 4, आपको पता है ये स्मार्टफोन अभी आए थे, गूगल का पिक्सल 4 और सैमसंग का नोट 10 प्लस तो थोड़ा सा पुराना हो गया है, इनके कैमरों को इस स्मार्टफोन ने बीट कर दिया है। तो सोचिए कितने ज़्यादा कमाल के कैमरे हैं बैक वाले। और इसके बैक कैमरे तो इंटरेस्टिंग है ही है, साथ ही साथ इसका फ्रंट कैमरा भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो बैक और फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा कमाल के फोटो निकाल पाएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको इसमें नाइट मोड का फीचर्स भी दिया गया है बैक और फ्रंट दोनों में ही। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन आपको 3 वेरियंट में देखने को मिलेगा, 6GB 128GB 8GB 128GB और 8GB 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। और मैं यहाँ पे आपको दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में भी बताना चाहूँगा, इसकी जो प्राइस है 6GB 128GB वाले की रखी गई है वो 28,000 रुपये रखी गई है, वही 8GB 128GB वाले स्टोरेज की जो प्राइस रखी गई है वो 31,000 रुपये रखी गई है, और लास्ट वेरियंट जो इसका हाई वेरियंट है उसका 8GB 256GB वाले वेरियंट की जो प्राइस रखी गई है वो 35,000 रुपये रखी गई है। ये दोस्तों मैंने प्राइस आपको इंडिया में कन्वर्ट करके बताई है। रही बात दोस्तों इसकी लॉन्च की, तो मैं आपको बता दूं कि 4 नवंबर को तो ये चाइना में लॉन्च हो गया है, 6 नवंबर को ये ग्लोबली लॉन्च होगा और इंडिया में आपको दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है, और इस स्मार्टफोन में मुझे एक ही चीज़ पसंद नहीं आई है, वो है इसका प्रोसेसर। इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से प्राइस को नहीं टक्कर देता है, क्योंकि प्राइस अगर 28,000 रुपये रखी गई है तो डेफिनेटली उन्हें यहाँ पे क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 देना चाहिए था। वैसे आपको क्या लगता है मुझे जो उसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हाँ लेकिन ये कैमरा लेवल का स्मार्टफोन है, इसीलिए हो सकता है उन्होंने कैमरे पे ज़्यादा फोकस किया है, प्रोसेसर उन्होंने ध्यान में नहीं दिया है। मुझे अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना। और दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे Xiaomi की स्मार्ट वॉच के बारे में। मैं आपको बता दूं उन्होंने बताया था कि एप्पल की तरह सिमिलर दिखेगी ये स्मार्ट वॉच। मैं आपको बता दूं ये स्मार्ट वॉच आपको दो टाइप की दी गई है, एक इसका जो बेस है और एक इसका एक्सक्लूसिव वर्जन है। बेस वाले की जो कीमत रखी गई है वो 12,000 रुपये रखी गई है, और एक्सक्लूसिव वाले की जो कीमत रखी गई है वो 20,000 रुपये रखी गई है। और दोस्तों मैं आपको इस स्मार्ट वॉच की खासियत बताऊं कि इससे आप कॉल भी कर सकते हैं बिना मोबाइल के। जी हाँ फ्रेंड्स, तो प्राइस थोड़ी सी महंगी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ इस स्मार्ट वॉच के बारे में। अगर आप चाहते हैं तो मुझे जरूर से कमेंट कर देना कि सर इस पर एक वीडियो बना दो, मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे मी टीवी के बारे में, जो कि मी टीवी 5 सीरीज उन्होंने लॉन्च की है। यहाँ पे भी उन्होंने दो टीवियाँ लॉन्च की है, मी टीवी 5 और मी टीवी 5 प्रो। मी टीवी 5 की जो कीमत रखी गई है वो रखी गई है 30,000 रुपये, और मी टीवी 5 प्रो की जो कीमत रखी गई है वो 37,000 रुपये रखी गई है। और दोनों ही टीवी की खासियत ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पतली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, और मैं आपको बताता हूँ कि इंटरेस्टिंग है इसमें वो है इसकी वीडियो क्वालिटी। इसमें आपको 8K वीडियो का सपोर्ट मिलेगा, देख लीजिए 4K वीडियो तो पुराना हो गया है, अब आपको 8K वीडियो देखने को मिल रहा है। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको Xiaomi के CC9 Pro और मी टीवी के बारे में और Xiaomi की स्मार्ट वॉच के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, और मुझे पता है आपको ये डेफिनेटली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ मैं आपको इसी जरूर से बोलना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ में। और हाँ मैं दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जो उसे प्रेस करना और हाँ ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।